चलें, ये रिकॉर्डिंग का मैंने मैसेज भेज दिया है, ठीक है, आई गॉट इट, कर लें सब लोग। तो स्टार्ट करता हूँ मैं फिर जो है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बाकी जो है बस कुछ पर्सन आ रहे हैं, तो मैं जो है ना स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो साथ में इनको जो है ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले ये कि मैं आप लोगों को जो है, चैनल हमारा है, जिस तरह कि आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रुप में एक स्क्रीन शूट आ रहा था, ठीक है, तो काफ़ी पर्सन है उनको उसके बारे में नहीं पता, ठीक है। तो जिसको नहीं पता, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, तो इजाज़ मुझे बताइएगा, कोई भी आवाज़ का प्रॉब्लम हो या स्क्रीन का इशू हो तो आपने फौरी मुझे बता देना है, ठीक है। ठीक है, ओके भाई। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जो मैंने बनाया हुआ है। तो ये यूट्यूब चैनल है, इस पर जो है ना मैंने हर लिहाज से जो है ना वीडियोस अपलोड की हुई है, ठीक है। तो कल जो आप लोग देख रहे थे ना, ये वो वीडियो है, ठीक है, ये कल जो हमारा जो है ना सेशन हुआ यहाँ पर, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन शॉट दिखा देता हूँ जो ग्रुप में आया था। तो ये ज़रा चेक करिएगा, एक मिनट ठहरिएगा, ये चेक करें, ये वही स्क्रीनशॉट है जिसके बारे में कल मैंने बात की है, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं पता लगा उसके बारे में, तो ये वीडियो देख सकता है जाके मेरे चैनल पर, सही है। तो मैंने कल अपलोड की थी, तो कल जिसने सेशन अटेंड नहीं किया तो जाकर वो वीडियो को देख सकता है, ठीक है। और चैनल जो है, चैनल आप लोगों ने इंट्रोड्यूस मेरा करवाना इसी वजह से क्या था कि काफ़ी सारे नए पर्सन आए हैं, ठीक है, उनको चैनल का नहीं पता, तो वो चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। देखिए, यहाँ पर मैंने जो ना हमारे फोर्स के हवाले से या वॉलेट के हवाले से मैंने हर चीज़ अपलोड की हुई है, ठीक है, तो वो आप लोग जाकर जो है ना देख सकते हैं। चलिए, काफ़ी सारे पर्सन जो आ गए, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए, चले मैं जो है ना स्टार्ट कर लेता हूँ सेशन को, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कितने पर्सन हैं जिनको डीलिंग का तरीका आता है। जी, यहाँ पर कितने पर्सन हैं जिनको डीलिंग करने का तरीका आता है, जी बता सकता है मुझे कोई? नहीं आता शायद, किसी को नहीं आता। जी मैम अनिसा, आप अपना तरीका बता सकती हैं? यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट के लिए आइएगा काइंडली, तो ताकि इनको भी थोड़ा सा पता लग जाए, फिर अगर कोई आपकी मिस्टेक वगैरह हुई तो मैं उसको कवर करूँगा, ठीक है। जी सर, मेरा डीलिंग का तरीका ये है कि वो पोस्ट करती हूँ, और उन्हें क्वेश्चन वगैरह जब उन्हें बताना होता है ना ब्लॉक चेन के बारे में, लाइव कॉल पर या मैसेज वगैरह में या मीटिंग में, तो उन्हें सिंपली मैं ब्लॉक चेन के बारे में बताती हूँ और फोर्स का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये सिस्टम है क्या, या ये बेसिकली काम किस तरह से करता है, क्या जी। इस तरह से उन्हें मतलब उनके पॉइंट्स जो क्लियर करने होते हैं ना लाजमी वो कर दिए, या आप इससे प्रॉफिट कितना मिलेगा, या आप ज्वाइन किस तरह से कर सकते हैं, तो जी इस जी तरह से ठीक मैं हो गया, बताती हूँ। ठीक हो गया। अगर उसको मतलब ये सब चीज़ें जो है ना कॉल पर ही गाइड करती है, कोई मैसेज या वीडियो वगैरह बताती है उनको? अगर वो गूगल मीट पर हो तो मैं उन्हें स्क्रीन शेयर करके मतलब क्लियरली दिखा देती हूँ कि ये इस तरह ये वाला स्लॉट इस तरह ओपन होता है और इसमें मतलब आपको इतना प्रॉफिट मिलता है। अगर सिंपल कॉल हो तो फिर उसे मतलब ऐसे मुंह से बता दिया जिस तरह मतलब बता उसके मुताबिक बता दिया। चले चले सही है। और इसके अलावा अगर किसी को पता हो? जी जी हसन, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, और किसी को किसी को हेलो, पता? जी जी आवाज आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है आपकी। वो क्या बोलते हैं, आज हाफिज भाई की ज्वाइनिंग करवानी है इरफान भाई। चलें, कोई मसला नहीं, आ जाए इंशाल्लाह, तो पेमेंट से होगी ना उसकी रेडी। हाँ बस वो शाम तक,
बारिश का माहौल है ना, असल में उनके बिल हो गए हैं आज, जी मुझे जी बारिश की वजह से रुके हैं, थोड़ा बारिश थोड़ी हटे उनकी उनकी साइड में, वो बिल लेकर आए, मतलब कैश ले आए फिर देन, ठीक ठीक है ना ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। जी। अच्छा जी, अपना ठीक डीलिंग का थोड़ा सा तरीका बता दें इन पर्संस को। जी हसन, जी 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 हाँ, अपना तरीका जरा बताइएगा इनको 2 मिनट के लिए। जिस तरह आपने सिखाया है तकरीबन उस तरह ही गाइड करें। सबसे पहले उसे तो अननोन पर्सन होता है ना, तो सबसे पहले तो अस्सलाम सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद उसे थोड़ा बताते हैं कि मतलब ये वर्क है, फिर उसके कहते हैं अगर आप फ्री हो तो 2 मिनट कॉल कॉल कर लूँ आपको, अगर वो कहता है मैं फ्री हूँ तो उसे कॉल कर लें, देन जब वो कहे हाँ मुझे कॉल कर लो, कॉल करके सबसे पहले उससे मतलब रिलेशन बिल्डअप करो, जैसे कि हाय भाई कैसे हैं, कहाँ से हैं आप, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें अपना, जैसे कि मतलब कहाँ से हैं, कितनी कितनी एज है, क्या करते हैं, इससे पहले कभी ऑनलाइन काम किया है, ऐसे बंदा हमसे रिलेशन बिल्डअप कर लेता है। उसके बाद फिर उन्हें बताएं ऐसे ऐसे अर्निंग कर सकते हैं, सिस्टम के बारे में बताएं, डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन का बताएं, डिसेंट्रलाइज का बताएं होता क्या है, देन उसके बाद जो टोटली जैसे मतलब के सब बताने के बाद उसे कहें भाई अगर आप लाइव प्रूफ, मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ, आप ना गूगल मीट डाउनलोड करें, उसके बाद उनको लिंक भेजें, वहाँ पर आप लाइव स्क्रीन शेयर कर उसको दिखाएं। जी ठीक हो गया जी। उसके बाद उसे गूगल पर उसके रिव्यू दिखाएं डिसेंट्रलाइज सिस्टम के, और टोकन पॉकेट पर जाकर उसकी आईडी दिखाएं। जी जी तो देन फिर वो फिर तो उसने आ ही जाना, क्योंकि जब सिस्टम का उसको लाइव प्रूफ दिखाई देगा तो खुद ही आएगा वो। चलें चलें सही हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कोई जी पर्सन है जिसको डीलिंग का तरीका आता हो तो काइंडली थोड़ा सा शेयर कर दे, ताकि हम बाद में अपना तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। जी कॉन्फिडेंस पैदा करें, कोई मसला नहीं, आप लोगों ने भी इस जगह पर आना है, मेरी वाली जगह पर आप लोगों ने भी आना है, सही है। तो घबराने की कोई बात नहीं, बंदा आहिस्ता आहिस्ता ही गलतियों से सीखता है, ठीक है। तो जी कोई बताना चाहेगा अपना कोई तरीका? चलें चलें कोई मसला नहीं, मेरे ख्याल में इतना ही है, चलें कोई मसला नहीं। अच्छा सबसे पहले ये कि आप लोगों को मैं जो है ना, यहाँ पर कितने पर्सन जो जो कि जॉब कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, है कोई यहाँ पर? जी अपना माइक अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। जी कोई यहाँ पर जॉब पर्सन है कोई? सर आई थिंक आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है सबको। आवाज क्या मेरी क्लियर नहीं आ रही? जी हसन बताइएगा। एजाज क्लियर है, आ रही आ रही है, हमें तो क्लियर है। मैं वो नेटवर्क का इशू थोड़ा सा हो गया, आप वहां का डायरेक्शन चेंज कर लें। हाँ चलें, यहाँ पर मैंने पूछा कि जॉबलेस, जी जी कोई जॉब कर रहा है यहाँ पर आप लोगों में से, के सभी फ्री हैं? चलें मेरे ख्याल में सारे स्टूडेंट हैं। जी जी प्राइवेट क्या कर रही हैं आप? स्कूल में? हाँ जी टीचिंग प्राइवेट स्कूल। ठीक है, क्या सैलरी ले रही हैं आप मंथली? 6,000। 6,000 मेरे पास मैम आयशा है वो 10,000 लेती हैं। देखिए मैम अगर मैं रिकमेंड करूँ तो आप जो है ना वो फ़िलहाल इसको कंटिन्यू रखें, ठीक है, और ये कि इसको जो है ना एज अ पार्ट टाइम करें, लेकिन इसे करें लाजमी, ठीक है, और थोड़ा सा मेहनत करें इस पर जो है ना। ये जिनकी वीडियो चल रही है ना, कल नीचे ना स्टार्ट वीडियो का बटन होगा, स्टार्ट वीडियो छोटा सा कैमरा बना होगा, उसको क्लिक करें आपकी वीडियो बंद हो जाएगी। अगर किसी पर्सन को नहीं पता लग रहा, वॉइस के साथ ही वीडियो बनी होगी, स्टार्ट वीडियो कैमरा से बना हुआ, उसको क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो बंद हो जाएगी। अगर नहीं वीडियो बन रही तो आप मुझे सुने बस, कोई मसला नहीं। चलें तो कोई मसला नहीं मैम, देखिए इसको जो है ना आप कंटिन्यू रखें अपनी जो है टीचिंग जो आप कर रही हैं, तो ये कि इसको भी थोड़ा सा मेहनत करें ताकि आप जो है ना उससे जान छुड़वा दें। तो यहाँ पर जो है ना इसी वजह से हम आए कि ऐसे पर्सन उनकी हेल्प कर रहे हैं जिनकी जॉब से जान छुड़वा दें, ठीक है, ताकि वो इसको अपना जो है एज अ करियर लेकर चलें और इसमें मेहनत करें डट कर, तो ताकि वो लोग कामयाब हो सकें, ठीक है। चले मैं डीलिंग का अपना तरीका शुरू करता हूँ और कुछ आगे टॉपिक्स हैं उस पर मैं जो है ना बात करूँगा। चले गौर से सब मेरा जो है ना, चले सब गौर से सुनिएगा और मेरी तरफ फोकस रखें, ठीक है।
तो कोई भी कॉल आए, कोई भी मामला बने, तो आप लोगों ने उसको छोड़ दें, ठीक है? तो सबसे पहले ये कि एक मिसाल है कि कल मैंने बताया था कि अगर किसी ने सेशन जो है अटेंड नहीं एक किया। मिनट जी जी एक मिनट एक मिनट एहसान भाई, यहाँ पर ना एक न्यू पर्सन आया, आप इन्हें भी थोड़ा गाइड कर देना एंड में, मतलब करना लाजमी बट, ठीक है ना? चले यार, मैं कोशिश करूंगा कि गाइड करूं। दरअसल ये कि टॉपिक वाइज मैं चलूंगा, तो नहीं अदर जो है नहीं ना। आप एंड में कर देना ना, मतलब पहले आप जो कर रहे हैं वो कर देना चले, ठीक हो गया। चले, बस। ये जो ठीक माइक, ठीक जी ठीक जी ये जो माइक अपने अनम्यूट कर रहे हैं, काइंडली म्यूट करें ताकि शोर इधर हो रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रही। जी, जिनके माइक खुले हुए हैं वो बंद कर लें। चलें, सही हो गया। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि जब आपके पास, कल मैंने बताया था अगर किसी ने सेशन अटेंड नहीं किया तो वो जाकर यूट्यूब पर से देख सकता है। मैं पर भी इसको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा अपने चैनल को, ठीक है? तो वो ये है कि सबसे पहले ये कि देखिए, अगर कोई भी काम करना है उसको, मतलब ये कि जब ये कि हम डीलिंग का तरीका सीख रहे हैं, जाहरी बात है कि सब पर्सन कोई आएगा तो तभी डील करेंगे ना उससे। तो ये कि पहले आप डील जो है ना, पर्सन ट्रैफिक लाने का, लीड्स लाने का तरीका सीखें। वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी जो है ना वीडियोस अपलोड हैं, तो आप जो जाकर देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है? उसके बाद क्या है, अब जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डीलिंग का तरीका, कल क्या होगा, कल हम बैठेंगे आंसर क्वेश्चन पर। सिर्फ कोई भी टॉपिक है, किसी भी लिहाज से है, हलाल या हराम, फोर्सेस के हवाले से, या कोई आप लोगों को ऐसा कुछ कहता है कि आपको उसका आंसर नहीं पता, ठीक है? आपको उसका आंसर नहीं पता या आपको पता नहीं लग रहा, ठीक है? एक मिनट वेट करिएगा। आप लोगों को उसका जो है ना पता नहीं लग रहा, तो वो कल हम डिस्कशन वगैरह करेंगे ताकि आप लोगों के सारे सवालों के जवाब जो है क्लियर हो जाएं, ठीक हो गया? परसों हम करेंगे जो है ना स्लॉट्स पर, कि ज़्यादा स्लॉट और बड़े स्लॉट ओपन करने का क्या फ़ायदा होता है, ठीक हो गया? और आपको पता लगेगा कि आप ज़्यादा अर्निंग किस के थ्रू कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको गाइड इंशाल्लाह की जाएंगी। और टॉपिक वाइज हम चलेंगे इंशाल्लाह, इसी अदर कोई टॉपिक को हम नहीं छेड़ेंगे। चलें, आपके पास ये कि फेसबुक से, OLX से, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी सोशल मीडिया से आपके पास एक पर्सन आ जाता है व्हाट्सएप पर, ठीक है? अब आप लोगों ने उसको किस तरह गाइड करना है, मैं 3 से 4 चीज़ें क्लियर करूँगा। गौर से सुनिएगा, अगर किसी को वॉइस में क्लियर मसला बने तो ये रिकॉर्ड होकर चला जाएगा यूट्यूब पर, तो बाद बाद में भी आप लोग अपनी, अगर किसी का यहाँ पर कोई मेंबर्स है तो उसको वो इंट्रोड्यूस करवा सकता है कि ये सर का चैनल है, ये आज सेशन हुआ है तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं। एक मिनट ज़रा वेट करिएगा, एक मेरी बैटरी का इशू, एक मिनट ज़रा वेट करिएगा। अच्छा चलिए, काइंडली किसी का माइक जो है ना वो ओपन है तो वो काइंडली बंद कर दे, अपने माइक को सब म्यूट कर लें। कोई भी नया पर्सन है, माइक को जो है नीचे माइक बना उसको क्लिक कर दें ताकि मुझे आवाज़ जो है डिस्टर्बेंस ना हो। चले, अभी ये कि आपके पास जो है ना व्हाट्सएप से या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास पर्सन आ गया, अब आप लोगों ने किस तरह गाइड करना, उस बंदे की 3 चीज़ें क्लियर करनी है आपकी। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जिनका ये इशू है कि सर जब हम टीम का नाम लेते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते हैं तो वो जो है ना वो चले जाते हैं, तो वो भी आज मैं टीम के हवाले से भी क्लियर करूँगा। कुछ पर्सन आते हैं कहते हैं सर टीम नहीं बनती, वो भी आज मैं उसका भी आपको ऐसा जवाब बताऊंगा। कोई भी पर्सन आए उसको आपने ये जवाब बताना, वो खुद ही चुप कर जाएगा, वो मान जाएगा कि भाई टीम के बगैर कोई काम नहीं है। सही है? तो गौर से सुनिएगा तरीके को, गौर से तरीके को सुनिएगा। अभी ये है कि जब आपके पास कोई नया, काइंडली अपना माइक जो है अनम्यूट कर लें, अगर कोई आवाज़ का इशू है तो कोई मसला नहीं, आप सिर्फ जो है ना बाद में भी आप देख सकती, कोई मसला नहीं। तो टाइम ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इसमें लिमिट लगी होती है, 30 से 40 मिनट चलेंगी सेशन, उसके बाद ही खुद ब खुद ही टाइम ओवर हो जाएगा इसका, तो मैं इस वजह से थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ना डिस्टर्बेंस ना करें, ठीक है? अच्छा चलें, ये है कि आपके पास जो है ना पर्सन आ गया, आप लोगों ने क्या करना है कि अगर कोई किसी के अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर वो बात बंदा उससे कर सकता है, यहाँ पर गर्ल्स हैं तो वो अगर नहीं बात कर सकती, मतलब कोई इशू बनता है फैमिली में है या कोई भी है, तो आप लोग उसको टेक्स्ट पर जो है ना कवर कर सकते हैं, ठीक है? आप लोग उसको टेक्स्ट कर लें या वॉइस कर लें, आपके लिए वो चीज़ जो है ना बेहतर हो जाएगी। अब जो आपके पास पर्सन आया या तो कॉल कर ले, अगर मेरे रिकमेंड करूँ मैं, आप लोग कॉल किया करें,
इस तरह आपको जो है ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेहतर हो जाएगी, और उसके बाद ही कि आप लोगों को बोलने का तरीका आ जाएगा, लोगों से बात करने का तरीका आ जाएगा। सही है, आप लोगों ने उसको ये पूछ लेना अस्सलाम वालेकुम भाई, पहले टेक्स्ट कर लेना अस्सलाम वालेकुम भाई या मैम, जो भी सर आप कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैम कैसी हैं आप? जो कहेंगी वालेकुम सलाम जी सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैम अगर आप जो है अगर आपके पास ज़ाहरी बात है, आपने इससे ये नहीं पूछना कि मैम अगर आपके पास टाइम है तो काइंडली मैं आपको कॉल कर लूँ, नहीं। ज़ाहरी बात है कि अगर एक बंदा प्यासा है ना, अगर एक बंदा प्यासा है तो वो कुएं के पास खुद जाएगा, कुआं उसके पास नहीं आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको कॉल पर ले लेना, कॉल अगर कर ले, नहीं अगर कॉल अटेंड कर ले तो ठीक है, नहीं तो उसको वॉइस में ये बताइएगा। अब उसने एक मिसाल है कि कॉल उसने अटेंड कर ली, आप लोगों ने क्या करना है, अस्सलाम वालेकुम मैम, हो गई जी, वालेकुम सलाम जी, मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक जी। मैम सबसे पहले आप लोगों ने उसकी शॉर्ट सीवी लेनी है, उसका इंट्रोडक्शन लेना है, ठीक है। मैम शॉर्टली अपना करंटली इंट्रोडक्शन करवा दें या मैम अपनी शॉर्ट सीवी बता दें मुझे, ठीक है। तो अपना वो इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवा देगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर, मेरा नाम हिना है और मैंने ग्रेजुएशन की है, एज मेरी जो है ना 20 साल है और मैं लाहौर से हूँ। तो आप लोगों ने ये भी पूछ लेना है कि आपने मैम कभी ऑनलाइन काम किया है, ये सवाल उससे लाजमी आप लोगों ने पूछ लेना। इस तरह आप लोगों को पता लग जाएगा कि वो किसी कंपनी में या वेबसाइट पर काम करता रहा है कि नहीं करता रहा, ठीक है। तो ये है कि उससे ये पूछ लेना, वो शायद ज़्यादातर पर्सन का यही सवाल आता है, सर स्कैम बहुत हुआ है, ठीक है, सर स्कैम बहुत हुआ है, सर धोखा बहुत हुआ है, लोगों ने पेमेंट ले लेते हैं उसके बाद ब्लॉक कर देते हैं, सर कंपनियाँ भाग जाती हैं, सर कंपनियाँ भाग जाती हैं, सर इसका कोई हल बताएं सर काइंडली। अगर कोई आपके पास ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है सर बता दें मुझे पहले ही, अगर कोई नहीं है तो आप मुझे तब भी बता दें ताकि हम दोनों का टाइम वेस्ट ना हो। जी मैम आप बिल्कुल भी जो है ना रिलैक्स हो जाएं, परेशान होने की बात नहीं, आपको ऐसा इंट्रोड्यूस इंशाल्लाह जो है ना आपको वर्क बताऊँगा, ऐसा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाऊँगा इंशाल्लाह। आप कभी याद करेंगे भाई को कि सर को कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने मुझे मुतारफ़ करवाया था। अब ये कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, उसका शॉर्ट सी भी ले ली। अब ये कि यहाँ पर दो सवाल मैं पूछता हूँ, वो अपनी मर्ज़ी से मैं खुद ही पूछता हूँ। आप लोगों ने ये पूछ लेना कि सर आपका वालद साहब, सर या मैम जो भी, मैं सर को लेकर चलता हूँ ज़्यादातर, तो सर मुझे बताइएगा कि आपके वालद साहब क्या करते हैं। अब ये सवाल पूछने का क्या मकसद हुआ, अब ये मकसद हुआ कि इससे उस आप उसकी फैमिली का बैकग्राउंड पता कर सकते हैं, उसके वालद साहब अच्छा काम करते हैं या नॉर्मल फैमिली से है कि थोड़ी सी अच्छी फैमिली से है, ठीक है। तो इससे पूछ लेना, वो कहिएगा सर मेरे वालद साहब मजदूरी करते हैं, सर उनकी जो है ना ग्रोसरी की शॉप है या गारमेंट्स की शॉप है, सर वो किराने की स्टोर है या वेल्डिंग की या कुछ भी कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक की भी दुकान है, सर वो मजदूरी करते हैं। चलें सर आपका कोई बड़ा भाई है? जी सर मेरा बड़ा भाई है। क्या करता है वो? सर वो एक फैक्ट्री में काम करता है। तो भाई मुझे ज़रा बताइएगा कि क्या वो सैलरी पैकेज क्या लेता है? सर वो 20,000 लेता है। अच्छा उसकी एजुकेशन क्या है? सर वो मास्टर किया हुआ उसने। अच्छा भाई देखिए, उस आपके भाई ने मास्टर किया हुआ है तो वो अच्छा, आपने इतनी लंबी नहीं बात करनी, मैं सिर्फ आपको लोगों को समझाने के लिए इतनी लंबी बात कर रहा हूँ, वैसे इतनी लंबी बात नहीं करनी आपने, सिर्फ समझाने के लिए ताकि आप लोगों को कुछ समझ आ जाए, ठीक है। आप लोगों ने इतनी बात नहीं करनी, सिर्फ ये कि ये फासली होगा, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। अब क्या होगा, उसने कहा सर उसने मास्टर किया, मैंने कहा कि भाई देखिए आपके ब्रदर ने मास्टर किया हुआ है और मास्टर करके आपका भाई 20,000 की नौकरी, हम कब से प्ले ग्रुप से नर्सरी से पढ़ने लगे हुए हैं और हमने मास्टर कर लिया, लेकिन ये कि इतना रिस्क लिया, इतना खर्चा किया, इतनी फीसिस और यूनिवर्सिटी के खर्चे हॉस्टल के, तो कितना खर्चा किया और हम सिर्फ 20,000 की नौकरी के लिए करते हैं। आम लोग यहाँ पर बैठे होंगे जिनके जो है ना घर वालों की यही थिंक होगी कि मेरा बेटा जो है ना पढ़ लिख कर नौकरी करेगा, नहीं, नौकरी आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करनी। आप लोगों को मैं एक मिसाल दे दूँ, अगर एक बंदर है ना, बंदर है उसको आप केला या पैसे पकड़ाएंगे ना तो वो केला ही पकड़ेगा, क्यों, उसको तो केला ही चाहिए, जिस बंदर को जिस चीज़ की नीड होती है ना उसको वही चाहिए होता है। अब उस बंदर को ये नहीं पता कि पैसों से वो कितने केले खरीद लेगा। अब इसी तरह ही है कि अगर एक आम बंदे के आगे आप बिजनेस या जॉब रखेंगे ना तो वो जॉब ही लेगा, क्यों, अब उसको ये नहीं पता कि बिजनेस कितनी जॉब्स प्रोवाइड करता है, कितनी जॉब्स अवेल कर देता है, कितनी जॉब्स के मौक़े जो है ना वो फ्राहम कर देता है, नहीं उनको पता। इसी तरह ये चीज़ें हमने गाइड करनी है। आप लोग भी इसी तरह है कि किसकी थ्रू आए हैं, कि कोई आपका क्या अपलाइन है, कोई आपके कौन अपलाइन है, तो आप लोगों को उन्होंने गाइड किया तो आप लोग जो है यहाँ आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैं एक वक्त था मैं भी अकेला था, मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह टीम अब तकरीबन 42-45 लोगों की हो गई है, 1.5 मंथ से ऊपर हो गया मुझे वर्क करते हुए और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी भी अर्निंग हो गई है। तो ये है कि ये आज तरीका आप लोगों को बहुत फ़ायदा है। देखिए मैं आप लोगों को खुद कह रहा हूँ कि मेरा सेशन जो है ना आप लोग ज़रूर लिया करें,
ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, स्किल है, वो आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि लोग आप लोग जो है ना मजीद ग्रो करें। चले हम टॉपिक की तरफ आते हैं। अब क्या ये काइंडली अपना एक मिनट ठहरिएगा, मैम सना आप अपना माइक जो है म्यूट कर लें, काइंडली आपकी तरफ से जो है ना शोर आ रहा है, एक मिनट वेट करिएगा ज़रा। चलिए ठीक है, अब किसी ने माइक अपना जो है ना ओपन नहीं करना। तो अब क्या है कि अब उसके भाई के बारे में आपने, उसके वालिद साहब के बारे में, उसका बैकग्राउंड आपको पता लग गया होगा। अगर अच्छी जॉब करते हैं आप, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि आप लोगों ने उसको तीन चीज़ें क्लियर करनी है। क्या पहली बात ये कि आप लोगों ने उसको टीम के बारे में बताना है कि टीम क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। दूसरी बात है कि आप लोगों ने डिसेंट्रलाइज सिस्टम का बताना है। तीसरा क्या है, आप लोगों ने ब्लॉकचेन का बताना है। चलें अब मैं आपको गौर से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका आप लोगों को, मैंने मुझे गारंटी कि आप लोगों ने, आपके सीनियर ने भी कभी आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि ये मैंने सीखा और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके। गौर से सुनिएगा, अब आप लोगों ने कहना है कि सर मैं आपसे ना दो सवाल पूछूंगा, मैम या सर जो भी है, सर मैं आपसे दो एग्जाम्पल्स करूँगा, तो मैं आपसे सवाल पूछना, सर मुझे ये बताएगा आपने कभी रेस्टोरेंट होटल देखा, होटल या रेस्टोरेंट देखा? जी सर बिल्कुल देखा है। अच्छा कभी खाने खाना या पिज़्ज़ा खाने गए हैं? जी सर बिल्कुल गए हैं। तो सर मुझे ये बताइएगा कि क्या वहाँ पर जिस बंदे ने उसको बनाया है, उस रेस्टोरेंट को होटल को बनाया है, तो क्या वो वहाँ पर एक बंदा अकेले ही काम कर रहा होता है? जी सर बताइएगा ज़रा इसका आंसर। नहीं सर बिल्कुल नहीं सर, वहाँ पर तो काफ़ी सारे पर्सन होते हैं, तो वहाँ पर होता है कि कैशियर होता है, अकाउंटेंट होता है, डिलीवरी वाला होता है, जो वेटर होता है, उसके बाद ये कि मतलब काफ़ी सारे पर्सन, काफ़ी एक टीम बन जाती है। तो भाई मुझे ज़रा ये बताइएगा कि क्या वो बंदा जो अकेला है, जिस बंदे ने उस होटल को रेस्टोरेंट को बनाया, क्या वो उस अकेला वो उसको चला सकता है एक दिन के लिए भी? नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है सर, वो एक तरह का काफ़ी सारे बंदे हैं, 10-12 बंदे होते हैं, टीम होती है, तो वो वर्क इकट्ठा करते हैं। चलिए सर, अच्छा मेरा पॉइंट नोट करिएगा ज़रा, मैं किस पॉइंट की तरफ आता हूँ मैं आपको एंड पर बताता हूँ। दूसरी एग्जाम्पल आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों ने सर मुझे ये बताइएगा कि आपने स्कूल लाइफ भी देखी होगी, आपने यूनिवर्सिटी लाइफ चले नहीं भी देखी तो चले कॉलेज लाइफ तो देखी होगी, चले स्कूल लाइफ ही लगा लेते हैं। अच्छा स्कूल लाइफ में आपने देखा होगा कि हमारा एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, हमारा एक प्रिंसिपल होता है, तो मुझे ये बताएं कि जिस प्रिंसिपल ने या जिस इदारे ने उसको बनाया है, तो सिर्फ ओनली 10 मिनट्स रह गए, ठीक है, तो अब क्या कि मैं जल्दी जल्दी कवर करूँगा इसको, ठीक है। चले स्क्रीन शेयर हो रही है, तो अब क्या है कि आप लोगों ने उससे ये करना है कि सर मुझे ज़रा ये बताइएगा कि जब हम कॉलेज या स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर हमारा एक प्रिंसिपल था, ठीक है, हमारा प्रिंसिपल था, तो क्या उस जिसने उसको स्कूल को बनाया था, तमीर किया था, जो उसका CEO है, उसका ओनर है, क्या वो अकेला सारे मतलब पीरियड्स और जो लेक्चर है वो ले सकता है? सर बिल्कुल भी नहीं ले सकता। सर मुझे ये बताइएगा अगर वो टीचर उस्ताज़ा एक दिन के लिए भी ना आए, तो क्या प्रिंसिपल का वो स्कूल कॉलेज चल पाएगा? सर बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। सिर्फ दो एग्जाम्पल, टाइम बहुत काफ़ी है, नहीं तो एग्जाम्पल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब ये दो एग्जाम्पल आप लोगों ने उस बंदे को बतानी कि सर मुझे बताएं कि वो स्कूल नहीं चल सकता, वो रेस्टोरेंट, वो होटल नहीं चल सकता, वो हॉस्पिटल नहीं चल सकता, वो कोई भी चीज़ है, बैंक है, उसमें कैशियर होता है, अकाउंटेंट होता है, गार्ड होता है, काफ़ी मतलब अकाउंट ओपन करने वाले और काफ़ी जो है ना लोग होते हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि हर काम दुनिया में कोई भी काम है ना सर, वो टीम के बगैर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सर मेरा बात करने का यही मकसद था, एग्जाम्पल देने का यही मकसद था कि काम दुनिया में कोई भी ना सर टीम के बगैर कुछ नहीं है। अकेला बंदा खाक भी नहीं कर सकता, 4 घंटे काम कर सकता है, 6 घंटे काम कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास टीम है ना, तो वो काफ़ी सारे माइंड, यहाँ पर 10 लोग या 11 लोग बैठे हैं, तो अगर 11 लोगों का माइंड मिल जाए तो कितना वो बड़ा काम कर सकते हैं, कितना वो मतलब एक्सपीरियंस उनके पास होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने उसको ब्लॉकचेन का बताना है। सर मुझे एक मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सर मुझे ये बताएं कि हम दोनों किसके थ्रू मिले हैं? तो वो बताएगा सर हम व्हाट्सएप के थ्रू मिले। नहीं सर मैं आपको बताता हूँ सर, ये कि हम सोशल मीडिया के थ्रू पहली बात मिले हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, उसके बाद ये कि व्हाट्सएप, फेसबुक, OLX कोई भी प्लेटफॉर्म है उसका जो है ना वो है अंदर, इसके उसका काम है अंदर, ठीक है। उसके बाद एक इंटरनेट के थ्रू मिले हैं हम, ठीक है, सर्विस सिग्नल्स के थ्रू मिले हैं हम। अगर सर मुझे ये बताएं अगर हम दोनों की तरफ से नेटवर्क का इशू बन गया, तो कार रिकनेक्ट हो सकती है कि नहीं सर? हो सकती,
जी सर बिल्कुल हो सकती है। तो सर इसी तरह ही है, अब ये जो ऐसा प्लेटफॉर्म है एक लाइव प्रूफ है, मैं एंड पर आपको लोगों को जल्दी वो बता दूंगा, ठीक है। तो अब क्या है कि सर देखें, अब ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि सर अगर कॉल रिकनेक्ट हो, अगर नेटवर्क का इशू बन के सर कॉल जो है रिकनेक्ट हो सकती है, लेकिन ये कि अगर नेटवर्क का स्ट्रॉन्ग है, मजबूत सिग्नल्स हैं, तो हम जो है ना 24 घंटे बैठ कर बात कर सकते हैं ना। जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह सर ये जो सिस्टम है ना, ये जब तक दुनिया में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी चलेगी ना, ये सिस्टम सर चलता रहेगा। दूसरी बात है कि ब्लॉकचेन, सर ब्लॉकचेन ये होता है कि इस तरह के आप और हम, ये देखिए हम मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कि किसी का रिकनेक्ट हो रहा है, कभी कभी वो आ रहा है, कभी वो जा रहा है, क्या कि नेटवर्क का इशू बन रहा है। अब ये कि मुझे, आप लोग चले जा सकते हैं लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं ला सकता मेरी मर्जी के बगैर। सिर्फ ये कि अगर लाइट चली गई तो नेटवर्क का इशू बन जाएगा, लेकिन वैसे मुझे यहाँ से कोई ही ला नहीं सकता, ठीक है। तो सर इसी तरह ये कि जब कोई इंटरनेट चलता है ना, तो एनर्जी रिड्यूस होती है। जब एनर्जी रिड्यूस होती है तो एक ब्लॉक बनता है। जब ब्लॉक बनता है तो काफ़ी सारे ब्लॉक बनते हैं। अगर यहाँ में से एक मीटिंग में से 10 में से 11 लोगों में से अगर एक चला भी गया, तो मीटिंग को कुछ भी नहीं फर्क होना, मीटिंग को कुछ भी नहीं फर्क पड़ना, ठीक है। तो सर इसी तरह ये, अगर ये कि अगर कहीं से इंटरनेट बंद भी हो गया तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ना सर, ये सिस्टम जो है ना ब्लॉकचेन पर, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो सर मैं आप लोगों को एक प्रूफ जल्दी से मैं दिखाना चाहूँगा। सर मैं जो है ना अपना गूगल ओपन कर लेता हूँ जल्दी से, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। आप लोगों को लिख लेनी है 4 स्विच, ये देखिए मैं जल्दी से आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों ने इसको ये चीज़ दिखा देनी है, ठीक है। ये देखिएगा सर, ये जो चीज़ है ना, मैं आप लोगों को जो है ना इसको ट्रांसलेट करके बताता हूँ जल्दी से, एक मिनट ज़रा वेट करिएगा। चलिए सर, सर मुझे ये बताइएगा, आपने उससे पूछना कि सर ये चेक करिएगा ज़रा, क्या मैं ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल भी स्क्रीनशॉट नहीं है, बिल्कुल आप गूगल पर ला कर दिए। सर चले आप इसको जो है ना ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, क्या चीज़ है सर। फोर्स BUSD एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि ये निज़ाम खुद ब खुद काम करता है। सर आप मुझे बताएं, क्या इसको कोई बंद कर सकता है? सर जो मैंने आपको बात बताई है ना कि जब तक इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी दुनिया में चलेगी, सिस्टम चलता रहेगा। चले सर आगे बढ़ते हैं, कोई भी इसे तब्दील या बंद नहीं कर सकता, ठीक है। सर इसको बनाने वाले बंदे ने इसको ब्लॉकचेन पर डाल दिया, वो खुद बंदा बेचारा ID डालता है, उसकी फर्स्ट ID है, वो बंदा ज्वाइनिंग करवाता है तो अर्निंग करता है, ठीक है। अगरचा मालिक भी इसे बंद नहीं कर सकता। सर मिस्टर लाडो रशियन का बंदा है जिसने इसको बनाया, अब वो भी बेचारा जो है ना इस पर ID लगाकर अर्निंग करता है, ठीक है। आगे सर इसे, इसलिए ये 100% महफूज और शफाफ है, बिल्कुल सिक्योर है, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं सर, ठीक है। ये कीमतों की नकलो हरकत और मार्केट की सलाह पर मुनहसर नहीं होता। इसका मतलब ये सर, आपने देखा होगा अगर एक कंपनी का ओनर है ना, तो जब जी चाहे किसी को मैनेजर बना दे, किसी को सुपरवाइज़र बना दे, किसी की सैलरी को बढ़ा दे, किसी की कम कर दे, किसी को निकाल दे, किसी को फारिग कर दे, किसी को ऐड कर ले, सर उसकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। लेकिन ये है कि सर यहाँ पर ऐसा नहीं है, सर यहाँ पर आपकी मर्ज़ी से काम होगा, हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से चलेगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर सर ये कि आपके सामने मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया, ठीक है। तो सर यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ना ये सिस्टम इनलीगल है, तो आप लोगों को मैं जल्दी से ये भी चीज़ क्लियर कर दूँ। चलिए सर मैं आपको ये जो वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे गवर्नमेंट की है, कोई स्क्रीनशॉट आपको मैं नहीं दिखा रहा, ठीक है। ज़रा एक मिनट वेट करिएगा, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें, आप लोगों को नहीं पता होगा, मुझे पता है, लेकिन ये कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही बेहतर है, ठीक है। सर ये देख सकते हैं आप, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये कोई मैंने अपने पास से नहीं लगाया, ठीक है। सर ये चेक कर सकते हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी है, उन्होंने बताया कि अब ये देखें तीसरे नंबर पर सर आप देख सकते हैं ब्लॉकचेन का दिखाई दे रहा, वो कह रहे हैं कि ब्लॉकचेन जो है ना अब पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाई जाएगी, और ये देखें इसके ट्रेनिंग का भी वो सोच रहे हैं कि इसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, और आने वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन टोकन, ये देखे ब्लॉकचेन का भी डिसेंट्रलाइज हर चीज़, सर ये देखें आपके सामने है। आप लोग किस तरह कहते हैं कि सर ये इनलीगल है, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि आप इसको ये सीखें, ब्लॉकचेन को सीखें, और ये आने वाला फ्यूचर है, ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो इस तरह ये आप इसको जो है ना लाइव प्रूफ दिखा सकते हैं, ठीक है। तो टाइम बहुत ही कम रह गया, अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ लें, 3.5 मिनट रह गए जी, जल्दी से करिएगा सवाल, अगर किसी का है तो अपना माइक खोल लें और सवाल पूछ लें जी। सर पहले सवाल ये करते हैं कि इसमें करना क्या होता है? चलें इसमें दरअसल करना क्या होता है कि वो अभी स्लाइड मेरे पास नहीं पड़ी हुई है, तो मैम देखिए इसमें दरअसल ये कि हम लोग क्या कहते हैं कि सर हमने टीम बनानी होती है, हमने नेटवर्क बनाना होता है, ठीक है। लेकिन ये बात आप लोगों ने पहले नहीं कहनी, आप लोगों ने ये बात कहनी है कि सर हम इसमें ना डिजिटल करेंसी की मार्केटिंग करते हैं, जो कि बैलेंस BUSD है, बैलेंस का डॉलर है, जो कि बहुत बड़ा एक्सचेंजर है, ठीक है, एक स्टेबल कॉइन है। तो सर हम इसकी मार्केटिंग करते हैं,
उसके बाद ये कि हम नेटवर्क बनाते हैं। अब नेटवर्क का सर मैंने आपको टीम का बता दिया कि टीम के फवायद क्या हैं, ठीक है, किस वजह से हमने ये टीम का वर्क करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बता देना इंशाल्लाह, इस पर मैं सेशन रखूँगा और ये कल सवाल के जवाब इंशाल्लाह होंगे, ठीक है। आज के हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे, अदर टॉपिक को ना छेड़ें काइंडली, टाइम बहुत ही कम है जी। इसके अलावा कोई सवाल आज के टॉपिक का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, कल इंशाल्लाह आंसर क्वेश्चन जिसका भी होगा मैं उसका जवाब दूंगा, आइएगा कल इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सेशन होगा जी। ओके भाई ठीक है जी, सबका क्लियर है जी? जी क्लियर है। चलें चलें, बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर यहाँ पर किसी कोई भी टीम है ना, किसी की दो की भी टीम है, एक पर्सन की भी टीम है, तो वो उसको जो है ना मैं यूट्यूब चैनल जो है आप लोगों को शो फिर करवा देता हूँ, तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग जो है ना जाकर देख सकते हैं इसको, एक मिनट वेट करिएगा, ये देखो ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पर हर लिहाज से कल ये सेशन हुआ है, आप लोग ये भी देख सकते हैं जाकर, ठीक है। अगर किसी को जो है लीड्स लाने का नई तरीका पता तो मैंने कल बताया, तो यहाँ पर और भी टोकन पॉकेट और छोटी छोटी बातों का जो है ना मैंने जिक्र किया हुआ है, आप लोग जाकर जो है जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। दरअसल ये टाइम बहुत शॉर्ट होता है, लोग जो है ना पर्सन जो है ना लेट आते हैं एंट्री, हालांकि मैंने बताया था कि 20 पर आएँ तो थोड़ी सेशन स्टार्ट हो जाए ताकि बाद में कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो ना। टॉपिक्स तो बहुत थे लेकिन ये कि टाइम की लिमिट के लिहाज से इतने हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तो हार्ड वर्किंग करें, और ये कि आप लोगों को जो है ना कम अज़ कम जो है ना डेली का जो है ना 100 लोगों को ग्रुप से निकालें, अगर नहीं निकालेगा तो यहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप लोग जो है ना ये प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लीड्स और ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए लीड्स और ट्रैफिक का OLS का मैंने बताया हुआ है, तो यहाँ पर ये देखिए आप दो वीडियोस अपलोड हैं, तो इसको जाकर देख सकते हैं, आपके लिए जो है ना हेल्पफुल होगा काफ़ी, ठीक है। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।